सपनों को साकार करने के लिए यदि मन में दृढ़ विश्वास हो तो कोई ताकत लक्ष्य हासिल करने से रोक नहीं पाती। राजगढ़ जिले में यूं तो अनेक मेधावी छात्र छात्राएं हैं, लेकिन न्याय के क्षेत्र में पचोर निवासी नूपुर तिवारी द्वारा सिविल जज की परीक्षा उत्तीर्ण कर जिले का नाम रोशन किया। नूपुर तिवारी राजगढ़ जिले की दूसरी ऐसी बालिका है जिसने सिविल जज की परीक्षा उत्तीर्ण की है। नूपुर द्वारा सिविल जज की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पचोर नगर में कई लोगों द्वारा नूपुर का सम्मान किया जा रहा है। पचोर के बख्शी परिवार के पत्रकार राकेश सक्सेना, मां रुक्मणी देवी सक्सेना द्वारा नूपुर का शॉल एवं माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया गया। नूपुर के पिता ब्रिजेश तिवारी भी हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। पचोर नगर से हाई स्कूल और जयपुर राजस्थान से ग्रेजुएशन कर LLB की है और इंदौर से LM परीक्षा में भी गोल्ड मेडल प्राप्त नूपुर तिवारी ने बताया कि मेरा सपना भी जज बनने का ही था जो ईश्वर की कृपा से साकार हुआ है। नूपुर ने बताया कि ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि न्याय की कुर्सी पर बैठकर उसकी गरिमा को बरकरार रखूं। रहेगी आपसे लोगों को, तो आपके मन में क्या ख्याल आते हैं कि देश के लोगों को न्याय दें? मैं बस प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि मैं इस पद की गरिमा को बरकरार रख सकूं। आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से? मेरी स्कूलिंग पचोर से रही है, प्रोविडेंस कॉन्वेंट स्कूल से, और 12th मैंने कन्याशाला से करी है। ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन के लिए मैं बनस्थली विद्यापीठ जयपुर गई थी, वहाँ मैंने BA LLB अपना कंप्लीट किया, और उसके बाद LLM मैंने इंदौर से किया है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, वहाँ मुझे गोल्ड मेडल हासिल हुआ था भगवान की कृपा से। इसके लिए कोचिंग वगैरह की होगी आपने? हाँ जी सर, मैंने जुडिशरी के लिए, मेरे एक परिचित ने मुझे कहा था कि आप इंदौर जाइए, आप शर्मा सर हैं उनसे जुड़िए, वो बहुत अच्छे हैं, वो आपका एक बार हाथ पकड़ लेंगे, बिल्कुल आपके नैया पार करा देंगे, तो उनके साथ ही जुड़ के मैं यहाँ तक पहुँच पाई। पापा जी भी इसी लाइन में? हाँ जी, मेरे पिताजी हाईकोर्ट एडवोकेट हैं और वो पिछले 27 सालों से वकालत कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं।